ago today, the artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles. दोस्तों टर्मिनेटर मूवी जो कि एक साइंस फिक्शन और एक्शन मूवी थी जो कि मुख्य रूप से भविष्य और उससे होने वाली गतिविधियों पर आधारित थी। दोस्तों ये फिल्म 1984 में जेम्स कैमरन द्वारा निर्देशित की गई थी और दोस्तों इसमें मेन लीड रोल में दिखे थे अर्नोल्ड, लिंडा हैमिल्टन और माइकल बीन्स। और दोस्तों रिलीज होने के बाद ये फिल्म इतनी हिट साबित हुई कि इसकी फ्रेंचाइजी बन गई जो कि इस मूवी के लगातार नए नए सीक्वल ला रही है। दोस्तों टर्मिनेटर मूवी की कहानी बहुत ही प्रभावशाली और समस्याओं से भरी हुई दुनिया को दिखाती है। इस फिल्म में अर्नोल्ड ने टर्मिनेटर की भूमिका निभाई थी जो कि मानव जाति का एक दुश्मन होता है। और दोस्तों अब इस मूवी का 7वां पार्ट बनाया जाएगा जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और इस फिल्म में हमें स्टारकास्ट देखने को मिलेगी जिसमें कि जॉन सिन्हा और अर्नोल्ड साथ में दिख सकते हैं। और दोस्तों इस फिल्म का बजट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है और दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो ये फिल्म 2026 में रिलीज हो सकती है। तो दोस्तों आपका टर्मिनेटर सीरीज की इस 7वीं मूवी के बारे में क्या कहना है और आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।